धरा अजमेर पे प्रधानमंत्री जी के आगमन पे राजस्थान की जनता उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। राजस्थान की आठ करोड़ जनता अपने प्रधानमंत्री जी को उन वचनों को याद दिलाना चाहती है जो 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की तमाम प्रशंसा करते हुए कहा था कि भाजपा सरकार ने जो ERCP की परियोजना तैयार की है, जो DPR केंद्र सरकार को भेजी है, उसके तकनीकी पहलुओं की जांच कराई जा रही है, संवेदनशीलता के साथ में अति शीघ्र इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। राजस्थान के अंदर भाजपा का राज बदल गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपका वचन आज भी गूंज रहा है, अति शीघ्र इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। राजस्थान के अंदर भाजपा का राज बदल गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपका वचन आज भी गूंज रहा है। देश के अंदर प्रधानमंत्री जब राज्यों में जाते हैं तो वहां पे किसका शासन है ये नहीं देखते, वो उस जनता के बीच में अपने वचनों को देखते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता से या तो माफी मांगे कि आपने आज तक ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं किया। जिन 13 जिलों को आपने जिक्र किया था, आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि राज्य की 41% आबादी को पेयजल पानी की सुविधा होगी, 24% भूभाग पे 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, 13 जिलों के नाम का भी उल्लेख किया था। अगर प्रधानमंत्री जी राजस्थान की जनता से उसकी अदालत में माफी नहीं मांगेंगे तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता भगवान श्री राम ने जो वचन दिया था, अपने पिता के जो वचन पे उन्होंने जो बात कही थी और उन्होंने राजपाट छोड़ के जो वनवास पे चले गए थे, रघुकल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजस्थान की जनता ने आप पे भरोसा किया, आज समय है माफी मांगे या उन्हें भरोसा दें, या फिर 2024 के अंदर केंद्र में वही करेंगे जो 2018 के अंदर राज्य के अंदर किया था।